विधायकों की सबसे सुरक्षित बटलर कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया है, जहां अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा के घर से चोरों ने टोंटियां और वॉश बेसिन चोरी कर लिया। हैरत की बात यह है कि बगल में पुलिस चौकी है और किसी को चोरी की भनक नहीं लगी। विनय वर्मा सिद्धार्थ नगर की चौरतगढ़ सीट से विधायक हैं और बटलर पैलेस के सरकारी आवास में रहते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए चोरों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। तो देखिए, नल जो थे वो खोल ले गए हैं चोर। ये देखिए किस तरीके की चोरी है, ये बटलर पैलेस में विधायक के घर में ये चोरी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में विधायक का घर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। और चौकी के बराबर में ये बटलर कॉलोनी है जहां पर ये चोरी हुई है। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। ये चोरी जो है ये बहुत कुछ बयान कर रही है कि जब विधायक का घर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी क्या करे उत्तर प्रदेश का। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक के घर से ये नलों की चोरी हुई है, पाइप चुरा कर ले गए हैं यहां से। जब आप यहां पर आते हैं तो ये एक हाल नुमा क्षेत्र है और यहां पर काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम भी यहां पर जारी था। और ये देखिए यहां पर ये जो जगह है यहीं पे वो टोटी लगी थी और ये देखिए किस तरह इसको तोड़ दिया गया है। ये टोटियां यहाँ पर उखड़ी हुई आपको मिलेंगी। ये नीचे का जो क्षेत्र है टोटी के जो नीचे जो लगाया जाता है वो क्षेत्र है और ये पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वो चोरों के आगमन का कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है। आप देखिए ये हाथ में ये टोटी का बचा हुआ हिस्सा और बाकी टोटी उखाड़ ले गए हैं, टूटा हुआ ये बेसिंग है। इसके अलावा विधायक जी का जो ये आवास है यहाँ पर और भी जो कमरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अन्य कमरे भी हैं, यहाँ पर आवास के भीतर अगर आप आते हैं तो आपको इस कमरे में ये अलमारी मिलेगी और ये अलमारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये देखिए ये लॉक है, ये लॉकर अलमारी में होता है, ये अलमारी लॉक है। इस कमरे में आपको ये अलमारी मिलेगी। इसके अलावा एक अन्य कमरा है, ज़रा और अंदर आइए और देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये आपको ये पूरा का पूरा जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ आपको मिलेगा। जो टोटी है ये देखिए जो हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, सब यहाँ पर सामान रखा हुआ है। लेकिन जब चोरों ने दस्तक दी तो विधायक के घर के टोटी पर उनकी नज़र पड़ी और टोटी यहाँ से चुरा ले गए चोर। और इसके साथ ही जो अन्य शावर हैं या अन्य चीज़ें हैं वो आपको टूटी हुई मिलेंगी। आप देखिए यहाँ पर ये भी एक घर है का हिस्सा है और यहाँ पर भी आपको ये बेसिंग, ये आपको टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देगा। अब देखिए तो अब इस मामले की FIR दर्ज कराई जा चुकी है। अब विधायक जी के क्या है, मैं एज अ केयर टेकर यहाँ पे जो है रहता हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ यहाँ पे। मैं पिछले एक महीने से यहाँ पे नहीं रहा, मैं ये आवाज़ जो है बंद था पिछले एक महीने से। 31 अगस्त की रात को एक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई मुझे कि यहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए हैं। रात 8:30 बजे के आसपास शीशे तोड़े गए हैं और नलों के कनेक्शन नहीं है। तो मैंने वीडियो फ़ोटो देखने के बाद मैंने कहा कि किसी चीज़ को हाथ ना लगाइए, सारे सबूतों के लिए उसको रहने दीजिए। और सारी फ़ोटो देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया चीज़ चोरी हुई है। नेक्स्ट डे 31 अगस्त को मैं यहाँ पे आया, FIR की गई है इस चीज़ के लिए, चोरी की दुर्घटना के चलते। और सारे टैप वगैरह जितने भी थे वो सब तोड़ दिए गए हैं और वॉश बेसिन वगैरह जो भी चीज़ थी वो सब भी तोड़ी गई हैं। और चोरों का निशाना सिर्फ और सिर्फ टैप और इसी तरीके की उत्पात मचाने का कह सकता हूँ मैं।